सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, विशेष करके स्किल सेक्टर में काम करने वाले उनकी वर्टिकल्स, सेक्टर स्किल काउंसिल्स, शिक्षा तथा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, अभी सद्य समाप्त G20 की कॉन्क्लेव में अगर प्रमुख 10 विषयों पर चर्चा हुई है, उसमें आज के कार्यक्रम संबंधित 2 विषय में चर्चा हुई है। दुनिया की स्किल गैप एनालिसिस के बारे में चर्चा हुई है और भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा हुई है और उसको सबने एंजॉय किया है, सबने सराहना किया है, सबने उसको आज दुनिया भारत की उस मॉडल को बड़े अपेक्षा के साथ देख रहा है। उसी बैकग्राउंड में जब आज भी एक अच्छा दिन है, आज देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी गुजरात विधानसभा में एक कार्यक्रम में आज एक नेवा करके नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, हमारी देश में हम जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहते हैं, ONDC के बारे में चर्चा करते हैं, इसको सामान्य लोगों की समझ में थोड़ा गैप होती है। सामान्य लोगों की समझ में UPI अभी समझने आने लगी, भीम ऐप समझ में आने लगी है, ATM जाके ट्रांजैक्शन करना, फोन बैंकिंग करना, फोन ट्रांजैक्शन करना, सारे अपने देनदारी पेमेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करना, DigiLocker लोगों की ध्यान में आने लगा है, वन नेशन वन कार्ड, रेशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी लोगों की समझ में आने लगा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये लोगों की समझ में आने लगा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ये लोगों की समझ में आने लगा है। आज दुनिया की सारे एनालिसिस औद्योगिक क्रांति 4.0 में भारत की उस स्पेस को रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, विशेष करके लो कॉस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अपने आप में एक कीर्ति स्थापित की है। पिछले दिनों की कोविड क्राइसिस और उसमें कोविन जैसे ऐप हम सभी के सामने एक सर्टिफिकेट के नाते उपस्थित है।